गाइज वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में गाइज टुडे आई प्रेजेंट विलियम शेक्सपियर CMCQs 100 सीरीज लेकर के हम प्रेजेंट हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप शो कर सकते हैं तो हमारा सीरीज एक थर्ड पार्ट वीडियो लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। 36 क्वेश्चन हमने करा चुके हैं यहाँ पे, 35 करा चुके हैं, 36 के बाद कराएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर इन्वेंटेड बाई शेक्सपियर। तो हमारा यहाँ पे आंसर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर यार रेडी है, तो आप देख सकते हैं एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। अ हार्श माई किंगडम हार अ हार्श, ये कोटेशन है गाइस, आप देख सकते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और है ये बहुत ही IMP इसको मान के चलेंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कोटेशन है कि अ हार्श माई किंगडम फॉर अ हार्श इज अ कोटेशन फ्रॉम किसे है, तो ये जो है किंग रिचार्ड थर्ड से लिया गया है, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे गाइज। हमारा 38 क्वेश्चन है कि मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट, ये भी कोटेशन है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा कोटेशन लिया गया है द मैरी वीप्स ऑफ विंडर। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ए भी हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा 39 क्वेश्चन, हु वाज द घोस्ट इन हैमलेट, तो यहाँ पर देखेंगे हैमलेट जो हमारा है ट्रेजडी है, जिसमें जो हैमलेट होता है अपने अंकल का लास्ट में क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, क्योंकि जो उसके हैमलेट के अंकल होते हैं उसके पिता की मर्डर किए होते हैं और उसकी जो माँ होती है उसे क्या कर लेते हैं, मैरिड कर लेते हैं। तो ये जो है इसी चीज़ का बदला लेने के लिए हैमलेट ने क्या करता है कि एक ड्रामा रचता है, ट्रेजडी रचता है और लास्ट में मर्डर करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किंग ऑफ डेनमार्क। हैमलेट घोस्ट कौन हैमलेट में था, तो डेनमार्क का जो राजा था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस बढ़ते हैं कि हमारा 40 क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैसियस पोर्टिया एंड ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स इन, ये सारे कैरेक्टर किस में किस से ड्रामा या ट्रेजडी से रिलेटेड है, तो गाइस ये जूलियस सीजर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। कवर्ड्स डाई में मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स द वैलेंस नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस दिस टेकन फ्रॉम, ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया है, तो गाइज ये हमारा जूलियस सीजर से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज कि वर्बिटी इज द सोल ऑफ वीट इन विच प्ले दिस लाइन्स अफेयर्स, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, प्रकट हुई है, तो गाइज ये हमारा हैमलेट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डॉट डॉट दिया हुआ है और इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले, सबसे शॉर्ट प्ले शेक्सपियर की कौन सी है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे गाइज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। आगे चलते हैं देखते हैं, बिल्कुल ही हमारी क्लास फ्री अब पोस्ट है, आप देख सकते हैं अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। इन विच प्ले दिस लाइन ओसर व्हाट इज इन द नेम दैट विच वी कॉल अरोज बाई एनी अदर्स नेम वुड स्मॉल एज स्वीट, तो ए रोमियो एंड जूलियट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस कि इब्री मदर, एक सेकेंड, इब्री मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक दिस आई अ लाइन फ्रॉम,
तो ए हो जाएगा टीटूस एंड्रोरिनियस, तो ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा 46 है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल्स इमेजिनिंग्स दिस लाइन्स ओसियस इन, तो ये मैकबे से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस कि इन विच प्लेस लॉक्स कैरेक्टर अपीयर्स, तो अथेलो इसमें हो जाएंगे, हमारा ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे गाइस। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हू रोट्स शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो ए जो है किसके द्वारा लिखा गया है, एच वी चार्ल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हु इज टॉबी वेल्च इन ट्वेल्थ नाइट, तो अंकल ऑफ ओलिविया क्या हो जाएगा गाइस, अंकल ऑफ ओलिविया। ठीक है, ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा 50 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कैशियर्स वाइफ, और कैशियर के वाइफ का क्या नाम था, तो आई होप आपको पता होगा गाइस, तो उसके वाइफ का नाम कैलिफोर्निया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस, जूलियस सीजर से है ये लिया गया। नेक्स्ट, डंकन वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड के, ए डंकन क्या था, राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ किंग लेयर्स यंगेस्ट डॉटर, तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा क्या नाम था, तो कार्डेलिया थी उसकी यंग डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, व्हाट इज द नेम ऑफ अथेलोज वाइफ, अथेलो के वाइफ का नाम क्या था, तो डेस्टमोना था गाइस, क्या था, डेस्टमोना था गाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डॉट डॉट दिया हुआ है। 54 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इज अ फोर्सफुल ऑफ बॉयस्टर फन एंड लाफ्टर्स, तो यहाँ पे लवर्स लेवर्स लास्ट। ठीक है, इज अ फोर्सफुल आप लवेश यरियस फन एंड डॉटर्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डॉट डॉट दिया है, इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, तो द टेम्पेस्ट से है, तो द टेम्पेस्ट इज द स्वान सॉन्ग ऑफ द शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 है कि अ एज कैन नॉट वेदर शेयर नॉर कस्टम स्टेट हर इन्फिनिट वैरायटी, जो होती है वैरायटी दिस लाइन ओशियर्स, तो लेडी मैकबे से हमारा ये लाइन लिया गया है। तो देखते हैं आगे जो लेडी मैकबेथ के बारे में लाइन कहा गया है। तो आ जाते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ गाइस, विच कैरेक्टर मेक्स द फेमस कोटेशन माई शेल्ड्स डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड टू से एज आई शेड देम, तो कैलीपैक्ट्रास। ठीक है, ये लाइन जो है किस कैरेक्टर के लिए बना है, तो कैलीपैक्ट्रा के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंटोनियस स्वार्ड, तो क्या नाम था, तो यहाँ पे देखेंगे चार्मियंस नाम था, ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। आ जाते हैं देखते हैं 59 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉट डॉट और स्पीकर्स इपीलॉज इन एज यू लाइक इट, तो यहाँ पे रोस लैंड हमारा ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस, आ जाते हैं हमारा 60 क्वेश्चन की तरफ, द कैरेक्टर बेस्टर्ड अपियर्स इन, तो किंग जॉन हमारा ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 61 से नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करवाएंगे गाइस। तो हम ग्रामर का वीडियो में हम नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अधिक शेयर करेंगे वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।